खरगोन जिले के खामखेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नर्स जयंती पाटीदार को 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए इंदौर लोकायुक्त टीम ने पकड़ा। शिकायतकर्ता अरविंद सोलंकी का कहना है कि प्रसव पीड़ा क्या होती है यह एक औरत ही बेहतर जान सकती है, फिर भी एक महिला कर्मचारी द्वारा इस तरह का कृत्य क्षमा योग्य नहीं है। निश्चित ही ऐसे कर्मचारियों को कड़ा दंड मिलना चाहिए जो पैसे के लिए अपने काम के साथ साथ मानवता को भी तार तार करती हैं, जिनके लिए पैसा ही भगवान हो जाता है, उन्हें अपने किए हुए की सजा जरूर मिलना चाहिए जिससे इस तरह का अपराध करने वालों को सबक मिले। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। किस मामले को लेकर तुम यहाँ आए थे? सर, डिलीवरी हुई थी अपने यहाँ 18 तारीख को। अच्छा। प्रसव पीड़ा को लेके आए थे सर, सवेरे 4:30 बजे के समथिंग। अच्छा। 5:30 बजे यहाँ आए सर। हाँ। तो मैडम ने 1000 रुपए की रिश्वत की मांग की जी, जिसमें सर मैडम को बहुत सारी विलंबना भी बताई। हाँ। गरीबी बताई, लाचारी बताई, पर मैडम ने बोला मैं पैसे तो ले तू, पैसे लेके काम करती हूँ। अच्छा। उसके बाद मैडम को 450 रुपए दिए, 400 रुपए दिए। उसके बाद सर बोले कि डिस्चार्ज की कागज ले जाना, तब जाके तुमने 500 रुपए बाकी के पैसे दे जाना। डिमांड रखी? हाँ, डिमांड रखी। तो बाकी के पैसे 500 रुपए आपने दिए? नहीं। किसने दिए 500 रुपए? भाई ने दिए सर। भाई को के क्या नाम है उनका? अरविंद भारत सिंह सोलंकी। अरविंद भाई, क्या कैसे दिए 500 रुपए आपने? सर, जैसा कि मेरी बहू को अभी 18 सितंबर को प्रसव पीड़ा हुई थी सवेरे 5 बजे के लगभग जी, तो मेरा छोटा भाई और मेरी पत्नी और ग्राम की दाई एवं आशा कार्यकर्ता उन्हें अस्पताल लेकर आए। जैसे ही अस्पताल लेकर आए 5 बजे के समथिंग, 4:30-5 बजे के समथिंग सुबह जी, तो KNM श्रीमती जयंती पाटीदार जी का दरवाजा खटखटाया गया। उन्हें बताया गया कि हमारे यहाँ प्रसव पीड़ा होने वाली है, तो आप थोड़ा उनको डिलीवरी करवा दीजिए। तो मैडम ने ये बोला हमारे भाई को, बोले कि लोग भजभज करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ का केस नहीं लेते, आप गोगांव या खरगोन ले जाओ, मैं तो पैसे लेती हूँ, मेरी फीस लगेगी। तो मेरे भाई ने बताया, बोले मैडम फीस गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, किसी प्रकार की कोई आप रिश्वत की मांग नहीं कर सकते। बोले काम करो फिर आगे ले जाओ। अगर उस स्थिति में अगर मेरी बहू को आगे ले जाया जाता तो शायद रास्ते में ही बच्चा पैदा हो जाता। इस वजह से मेरे भाई ने मेरे पास सवेरे 6 बजे फोन लगाया, तो किसी परिचित से मैंने मुल्ठान में 400 रुपए उधार लिए और मेरे भाई को दिलवाए। वही 400 रुपए श्रीमती जयंती पाटीदार जी NM को दिए गए। तत्पश्चात 2 दिवस पश्चात 23 तारीख को मेरा भाई और एक हमारा मित्र आया था, तो उन्होंने जब डिस्चार्ज के टिकट मांगे तो उनके साथ भी बुरी बर्ताव किया गया और पैसे की डिमांड रखी गई। फिर इस संवेदनशील मामले को देखते हुए फिर मुझे ऐसा लगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को शिकायत करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को सीख लगाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी गरीब या लाचार के साथ ऐसी तकलीफ ना हो। तो मैंने फिर लोक आयुक्त टीम का नंबर निकाला और लोक आयुक्त पुलिस SP श्री प्रवीण जी बघेल को सूचना दी इस बात की। उनसे मेरी लगातार 23 तारीख के बाद बातचीत, उन्होंने 25 तारीख में उनके पुलिस अधिकारी श्री आशीष नायडू जी को पहुंचा इंदौर से। कल आशीष नायडू जी और हमने मिलकर उनका फिर से दोबारा ऑडियो कॉलिंग रिकॉर्ड किया था। तत्पश्चात पूरी घटनाक्रम रिकॉर्ड करने के बाद फिर उनसे बात की गई, 500 रुपए की डिमांड की। फिर आज लोक आयुक्त टीम आई, लोक आयुक्त टीम ने मुझे बताया कि आपको पैसे मांगे हैं क्या? मैंने कहा हाँ मांगे हैं। तो फिर मैं पैसे देने जयंती पाटीदार जी को गया 500 रुपए। जैसे ही उन्होंने लिए, तत्पश्चात 2 से 4 मिनट पश्चात लोक आयुक्त की टीम आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले के